इटावा में एक बूढ़ी मां ने मुंबई में फंसे अपने बच्चों को घर पहुंचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। बता दें कि इटावा करणपुरा मोहल्ले के विवेक शंखवार, सिकंदर शंखवार मुंबई के मुबरा जिला थाने में फंसे हैं। दोनों युवक मुंबई में चूड़ी की फेरी का काम करते हैं, लेकिन देश में लॉकडाउन लग जाने से दोनों ही वहीं फंस गए। उधर बेबस मां अपने पेट पालने के लिए जिले में चल रही कम्युनिटी किचन में खाना बनाने का काम कर रही है। बूढ़ी मां को दिन रात चिंता सताई जा रही है कि आखिर कब उसके बेटे उसकी आंखों के सामने होंगे। अब लॉकडाउन बढ़ने से परिवार वालों ने महाराष्ट्र सरकार से बच्चों को घर पहुंचाने की गुहार लगाई है। सर, आप यहाँ क्या काम करते हैं और आपके बेटे कहाँ, बेटे और भांजे वगैरह कहाँ फंसे हुए और क्या चाहती हैं आप? बम्बई है सब, हम यहाँ काम करते हैं। हम तड़प तड़प के रह रहे, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे और मैं फंसे, हमारे बच्चा आ जाए कैसे मदद कर दे। नहीं तो सरकार से क्या गुजारिश करना चाहें, शासन प्रशासन से क्या चाहेंगे? तो बच्चा ही हमें चाहते, बच्चा हमारे आ जाए हमारे पास। हम जानना चाहते बम्बई में आप पिछले 2005 से काम कर रहे हैं, इस समय आपका भाई भांजा कौन कौन लोग मुंबई में फंसे हुए लॉकडाउन के चलते यहाँ तक आने में उनको दिक्कत हो रही है? वो तो अभी दो, एक भांजा एक भाई है तो फंसे हुए। मैं तो इधर आया था माल की खरीदने के हिसाब से, तो मैं इधर मतलब इधर मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, तो मैं इधर ही रुक गया। अच्छा, और वहाँ बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं जिनको खाने पीने की वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और वो भी हम लोगों को भी लग रहा है कि अगर घर पे आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। कि वहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि कमरे में पैक हो जाए उसके अलावा और कोई ऑप्शन रहता नहीं है। अच्छा, क्या बताया भाई ने और भांजे ने किस तरीके की दिक्कत हो रही है, क्या बता रहे, रो के बता रहे, किस तरीके की दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है, कुछ खान पान की प्रॉब्लम्स है जो ज़रूरत नहीं हो पाती है उनकी, और घर में एकदम पैक होके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उनकी। कल देखने को मिला है बांद्रा में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे घर आने के लिए, उसमें आपका भांजा वगैरह भी आना घर जा रहे थे? नहीं नहीं, मतलब वो अक्सर वो इस भीड़ भाड़ में तो नहीं जाते, वो तो मैंने उनको बोल के रखा है कि आपको किसी भी जगह भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, और क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करना है। बस ये सरकार से यही गुजारिश है कि जिस भी किसी भी तरीके से सारी पब्लिक को, भला हमारा भाई हो भांजा हो और भी सारे लोग हैं, इनको अपनी जगह ठीक है तो पहुँचा दिया जाए। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में पैसों की नगरी मुंबई में फंसे प्रवासी मजदूर अपने घरों को आने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले सरकार से बच्चों को घर पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।